आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच से कांग्रेस नाराज, पूछा क्या एनडीए नेताओं के साथ भी होता है ऐसा। सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों पेट्रोलियम कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बीते वित्त वर्ष में कमाया रिकॉर्ड मुनाफा। अमेरिका में सुअर की किडनी लगवाने वाले शख्स की 2 महीने बाद हुई मौत, डायबिटीज की वजह से किडनी खराब हुई थी। भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बन गया पड़ोसी देश चीन, बीते वर्ष 2023 में चीन ने $118.4 अरब के व्यापार किया भारत के साथ। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां, 200 यूनिट फ्री बिजली से लेकर 2 करोड़ रोजगार तक के वादे। पाक अधिकृत कश्मीर में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन, लोगों ने भारत से मांगी मदद, बोले पाकिस्तान से दिला दो आजादी। ना धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा, ना राम मंदिर पर फैसला पलटेगा, बंगाल में पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुन कर किए वार। हरियाणा बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी, 95.22% स्टूडेंट्स पास किया, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं परिणाम। 12वीं पास है रवि किशन, मां के दिए 500 रुपये लेकर आए थे मुंबई, आज करोड़ों के मालिक। खड़गे के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी, कांग्रेस का बड़ा दावा, विपक्षी नेताओं को चुनाव अधिकारी निशाना बना रहे हैं। पहले दिन पहुंचे 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम, अब तक 7 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं पंजीकरण, मोदी के नाम हुई पहली पूजा। 3 चरण में बिहार ने सड़क पर ला दिया, बाकी बचे 4 चरणों में गली में चक्कर लगवा देगा, पीएम के रोड शो पर लालू यादव का तंज। अमर उपाध्याय के साथ हुआ करोड़ों रुपए का धोखा, एक्टर ने इन्वेस्टमेंट फर्म के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। बीते दिन 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पीएम मोदी पटना में रोड शो और 3 रैलियों को किया संबोधित। देश भर में मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और फ्री इलाज, जनता के लिए अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियां। वो गिन रहे नोट, हम करेंगे जातिगत गिनती, वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। भारत से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पिछड़ना बर्दाश्त नहीं, नंबर 5 पर जाने से पहले जापानियों में भरा आक्रोश। दिल्ली नगर निगम ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में नया मेडिकल कॉलेज बनाने का लिया फैसला, इसके निर्माण पर होगा 380 करोड़ रुपए का खर्च। आकाश आनंद पर एक्शन के बाद बहुजन समाज पार्टी में भूचाल, नेताओं ने लगाई इस्तीफे की झड़ी। आपने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, फर्जी वीडियो फैलाने के मामले में अमित शाह ने दी रेवत रेड्डी को चेतावनी। बैरकपुर में पीएम मोदी ने टीएमसी कांग्रेस को घेरा, आरक्षण सीएए समेत बंगाल को दी 5 गारंटी। 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, डबल डिजिट में कई सेक्टरों की ग्रोथ रेट। भीषण गर्मी में अब बिजली संकट से निकलेगा दम, अधिकांश राज्यों में जून से हो सकती है बत्ती गुल। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 54 साल की उम्र में 29वीं बार फतेह किया माउंट एवरेस्ट। मदर्स डे पर बीजेपी ने शेयर किया पीएम मोदी की मां के साथ वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो में हुआ शामिल। देश के 14% अल्पसंख्यक 86% लोगों को कैसे डरा सकते हैं, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा। 2 जून को वापस जाना है जेल, आम आदमी पार्टी विधायकों संघ पहली बैठक में बोले केजरीवाल। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती, पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला। कटे फटे 32 लाख रुपए के नोट मिलने के मामले में बड़ा एक्शन, डीसीपी ने टीआई सहित 4 SI को किया सस्पेंड। आने वाले 24 घंटों में काफी तेज आंधी बारिश की संभावना, किसान भाइयों के लिए हो सकती है मुसीबत, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलर्ट जारी। बिहार और यूपी में चुनावी भूचाल के संकेत, वोट टूटता है तो पलट जाएगा पासा, योगेंद्र यादव का दावा। रफा में इजरायली ऑपरेशन रोकने के लिए अमेरिका की बड़ी डील, हमास के बड़े लीडर की सारी अपडेट देगा CIA। 66वीं बार डिविडेंड देने जा रही दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप, 1 शेयर पर 28 रुपए का फायदा, रिकॉर्ड डेट नजदीक। क्या आप पीएम उम्मीदवार हैं, राहुल की मोदी को बहस वाली चुनौती पर स्मृति ईरानी ने लगाए ठहाके। मेरी गिरफ्तारी के बाद आप ज्यादा मजबूत हो गई, सीएम आवास पर विधायकों की बैठक में बोले केजरीवाल। सीएम योगी का दावा, 4 जून की मतगणना के बाद राहुल गांधी गाएंगे चल उड़जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। बंगाल में योगी की रैली, हिंदू वोट जुटाने की कोशिश, लोग बोले यहां भी बुलडोजर बाबा चाहिए, मुस्लिमों ने गलियां बंद की।
उड़ीसा में पटनायक का तोड़ नहीं, लेकिन बीजेपी भी मजबूत। 11 से 12 सीटें जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस के लिए 31 सीट बचाना मुश्किल। इतिहास में पहली बार पटना में पीएम मोदी का रोड शो, शाम 6 बजे पटना वासियों के बीच पहुंचे मोदी, जमीन से आसमान तक सुरक्षा सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम को करा किया, अपील के लिए तय की 23 दिन की समय सीमा। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग आज, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में, 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी। पीएम मोदी के नामांकन में 12 सीएम 20 मंत्री शामिल होंगे, रोड शो में दिखेगी मिनी भारत की झलक, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुले, 6 महीने से जल रही थी अखंड ज्योति के दर्शन, 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। आम आदमी पार्टी ही देश का भविष्य, 21 दिन के लिए जेल से निकले केजरीवाल ने विधायकों को संदेश दिया। दैनिक भास्कर के सवाल पर भड़के बाहुबली अनंत सिंह, इंटरव्यू बीच में ही छोड़ा, बिहार के मुंगेर में ललन सिंह की जीत का कर गए दावा। अमेरिका बोला भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमतें कंट्रोल करना है, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था हम पर तेल ना खरीदने का दबाव था। बिहार की 5 सीटों में 4 पर एनडीए भारी, उजियारपुर में जीत की हैट्रिक पर लग सकता है ब्रेक, मुंगेर बेगूसराय दरभंगा में मोदी नाम का सहारा। 2003 के बाद सबसे मजबूत सौर तूफान पृथ्वी से टकराया, इससे कम्युनिकेशन ठप हो सकता है, एलन मस्क बोले स्टार लिंक सैटेलाइट दबाव में। पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण, 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट, 4 मंत्री 3 सांसद और 14 विधायक उतरे। शहजादे को अपना उम्र से भी कम सीट मिलेगी, चतरा में पीएम मोदी बोले इंडी वाले अपनी हार मान चुके हैं, भीड़ बता रही है जून के नतीजे। केजरीवाल बोले मोदी शाह को पीएम बनाएंगे, 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे, शाह बोले सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतती तो लव जिहाद खत्म करेंगे, बेगूसराय में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। तेजी गर्मी से अंगूर की फसल 80% से ज्यादा घटने की आशंका, कीमतों पर होगा बड़ा असर। इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू, 10वीं पास को मिलेगा मौका। गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर, सोनिया ने 70% राशि अल्पसंख्यकों पर खर्च किया, रायबरेली में बोले अमित शाह। आम आदमी पार्टी की साइकिल तो बीजेपी की मोटरसाइकिल, दिल्ली में रैलियों वाला रविवार, जवानी तीर से भी प्रहार। समस्तीपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी, थानाध्यक्ष बोले चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई जांच, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लगाया पक्षपात का आरोप। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना फिर 73,000 रुपये के पार निकला, चांदी 3,250 रुपये महंगी हुई। क्रू की कमी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें कैंसिल, एयरलाइन को 4 दिन में 30 करोड़ का नुकसान, आज शाम तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद। सरकार बदली तो शेयर बाजार में आएगा गिरावट, मोदी सरकार बनने पर डिफेंस स्टॉक्स में रहेगी तेजी, 1 साल में 361% चढ़ा कोचिन शिपयार्ड।